लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मुकेश अंबानी के घर पर स्फोटक रखने वाले केस में सचिन वाजे जो क्राइम के पुलिस ऑफिसर है उनका संबंध अपने को नजर आ रहा है और एनआईए की इंक्वायरी में मतलब सचिन वाजे को अरेस्ट कर दिया है। उनकी इंक्वायरी पूरी चल रही है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। मुकेश अंबानी बहुत बड़े उद्योगपति है, लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार भी दे दिया है। वैसे मुकेश अंबानी का घर उड़ाने का प्लानिंग के पीछे सचिन वाजे तो उसमें है ही है, लेकिन उसके पीछे और किसका हाथ है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। सचिन वाजे जैसे क्रिमिनल ऑफिसर को मतलब संरक्षण देने का काम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हुआ, मुंबई पुलिस ने उनकी इंक्वायरी ठीक ढंग से नहीं की, इसलिए एनआईए के पास इंक्वायरी चली गई और एनआईए ने मतलब सचिन वाजे को दोषी ठहराकर उनको अरेस्ट कर दिया है। लेकिन इसके पीछे और भी किसी का हाथ हो सकता है और इसीलिए मतलब महाराष्ट्र में इसी तरह की घटना ये बहुत गंभीर बात है। इसीलिए मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मांग करता हूँ कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना ही चाहिए। इसी तरह की मेरी मांग है और मैं माननीय होम मिनिस्टर अमित भाई शाह जी को मैं पत्र भी भेज रहा हूँ और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।